सबसे पहले दोस्तों आप मेरा प्रूफ देख सकते हैं कैसे मैंने ग्रेन लीग जीता हुआ है, और मैं यही ट्रिक को इस वीडियो में बताने वाला हूं, यानी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि टॉस होने के पहले कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी चलेगा, कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा। सबसे पहले आपको पता होगा जब दो टीमों लड़ती है तो टॉस पर आपका पूरा डिपेंड रहता है कि मुझे किन गेंदबाजों या किन बल्लेबाजों को लेकर जाना चाहिए। जब मैं टीम लगाता हूं तो अपने माइंड से थोड़ा अलग सोचता हूं, क्योंकि मान लीजिए अगर इंडिया और श्रीलंका जब मैच होगा तो कभी भी आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इंडिया कभी भी बैटिंग की है तो हाई स्कोरिंग पैटर्न गया है। अगर श्रीलंका ओडीआई में बात करें, वर्ल्ड कप में पिछला, तो अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो श्रीलंका का तो उसका एकदम लो ही पैटर्न गया है, 50-55 इतना ही पर ऑल आउट हो गए, कभी 150 कभी 120 ऐसे ही इतना ही रन बना सकते, यानी जब विकेट गिरेगा तो 10 विकेट गिरेगा। तो इस तरह से आपको टीम बना के जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी चलेगा, कौन सा खिलाड़ी आपको अपने टीम में ड्रॉप करके जाना। मैं नहीं, ड्रीम इलेवन खुद बताएगा कि कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर जाना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी को नहीं लेकर जाना। सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका का ये 2 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले टॉस होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले लाइनअप देख लेना है कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कौन सा खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक आपको पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा और एक आपको क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगा, यानी जिसका क्रेडिट हाई रहेगा उसको समझ लीजिए कि वो अच्छा फॉर्म देकर जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अभी आप देखेंगे कि राहुल को 8.5 क्रेडिट है एंड नीचे जैसे जाएंगे तो कुशल पेरेरिया अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, यानी इनका जो क्रेडिट है 7.7 क्रेडिट है। लेकिन आपको करना है जिसका हाई क्रेडिट है उनको अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं केएल राहुल को एंड कुशल मेंडिस का क्रेडिट अच्छा है तो मैं इनको अपने टीम में सेलेक्ट करूंगा। अब आपको ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्रेडिट ऊपर वाले को अपने एरो नीचे कर देना है, और यही आपको सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, जिसका क्रेडिट हाई रहेगा उसका सिलेक्शन हाई रहेगा। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। अब चलिए चलता हूं बैटर में, तो बैटर में आपको ध्यान से देखिएगा, अभी आप देखेंगे क्रेडिट में 9 क्रेडिट रोहित शर्मा का है एंड विराट कोहली का 9 क्रेडिट है एंड पशु निशंका को 8.5 क्रेडिट है। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखिएगा, कभी भी आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो हाई सिलेक्शन परसेंटेज को सिर्फ आपको 2 से 3 खिलाड़ी को ड्रॉप करके बस आपको 2 ऐसे खिलाड़ी को लेना है जिसका लो परसेंटेज रहेगा, और वही आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बनाएगा। सबसे पहले करता हूं क्या, अभी देखेंगे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का दोनों क्रेडिट सेम है, तो मैं एक प्लेयर को अपने टीम से ड्रॉप करूंगा, या तो रोहित शर्मा को रिस्क लूंगा या तो विराट कोहली को। तो चलिए इस बार मैं अपने टीम में रोहित शर्मा को अपने टीम से ड्रॉप करके चलता हूं एंड एक प्लेयर को मैंने रिस्क ले लिया जिसका सिलेक्शन परसेंट है 81%, और उसी को मैं एक लो परसेंटेज को अपने टीम में उठाऊंगा जिसका सिलेक्शन कम रहेगा। अगर शिवम दुबे खेलते हैं तो आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बना ही देंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं, या आप कहें तो श्रेयस अय्यर को मिडल ऑर्डर में 4th-5th नंबर पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं। अगर आप इनका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो इनका जो रिकॉर्ड है 100+ रन मार के दिला देते हैं लास्ट मोमेंट में कम समय में, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अब चलिए इसके बाद पशुम निशंका, शुभमन गिल को अपने टीम में सेलेक्ट करके चलता हूं, यानी मैं बैटर में अभी मैं 4 खिलाड़ी को अपने टीम में सेलेक्ट कर लिया, यानी एक खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप करके जाना है। मैं खुद नहीं, ड्रीम इलेवन आपको बताएगा कि कौन सा खिलाड़ी को आपको अपने टीम में लेकर जाना है, किसको ड्रॉप करना है। अब चलिए चलता हूं मैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में अभी आप देखेंगे तो विनेंदु असरंगा का क्रेडिट 9 पॉइंट है और इनका जो सिलेक्शन है 88% है एंड अक्षर पटेल को 87% और इनका क्रेडिट है 8, यानी मैं इन 8 क्रेडिट वाले को अपने टीम में लेकर चलूंगा, विनेंदु हसरंगा को मैं अपने टीम से ड्रॉप करके चलूंगा। इस बात को ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए जो पिच होने वाला है स्पिन को सपोर्ट मिलेगा तो आपको अपने टीम में स्पिन को भी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि विनेंदु हसरंगा जो है स्पिन गेंदबाज को आपको बॉलिंग कराते हैं और अच्छे खासे पॉइंट देकर जाने वाले। अब नीचे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर श्रीलंका का देखा जाए तो मेन 4 पेसर गेंदबाज चोट की वजह से बाहर
हार हो गए, यानी आपको श्रीलंका का सी कर्नाटक के आपको 10% सिलेक्शन है और आपको बॉलिंग कराएंगे एंड कुशल मेंडिस भी इसमें आपको बॉलिंग करा के दिला सकते हैं, इस बात को ध्यान से देखिए। अब चलता हूं मैं आपको अपने टीम में बॉलर में, अब आपको बॉलर में देखिएगा, अब महेश पथिराना इसमें नई सिलेक्शन है एंड नीचे जाएंगे तो आपको दिलशन मधुसना का, यानी दो खिलाड़ी पेसर में श्रीलंका का नहीं खेलेंगे, यानी मैं ऐसे खिलाड़ी को लेकर चलूंगा जिसका कम परसेंटेज होगा और आपको ड्रीम 11 चेंजर बनाएगा एंड आपको ए फर्नांडो को अपने टीम में सेलेक्ट करना है। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर देखेंगे तो मेरे पास ना कुलदीप है ना अर्शदीप सिंह है ना मोहम्मद सिराज है, यानी इंडिया का कोई भी बॉलर नहीं है, तो यानी मैं अपने टीम में बॉलर को अपने टीम में ड्रॉप करके चलूंगा, बैटर को ड्रॉप करके चलूंगा एंड यहां पर मैं इस बार सुमन गिल को अपने टीम से ड्रॉप कर दिया एंड अभी मैं दो बॉलर को लेकर चलूंगा, एक स्पिन गेंदबाज में कुलदीप यादव एंड यहां पर अर्शदीप सिंह को अपने टीम में लेकर चलूंगा। अब मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब लोग 99% गलतियां क्या करते हैं, कप्तान एंड उप कप्तान में 99% लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विराट कोहली को 26% लोगों ने अपने टीम में कप्तान बना के जा रहा है, तो लोग करेंगे क्या कि विराट कोहली को अपने टीम में कप्तान बना के चले जाएंगे और विराट कोहली नहीं चले तो आपका यानी 26 लाख टीम फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले अक्षर पटेल बॉलिंग स्पिन गेंदबाज में सपोर्ट मिलेगा एंड आपको बैटिंग करने का सबसे ज्यादा इनको चांस मिल जाएगा क्योंकि 50 ओवर का मैच है तो अच्छे खासे फॉर्म देकर जाएंगे। अब आपको नीचे जाना है, या तो आप बॉलर के साथ कुलदीप यादव एंड अर्शदीप सिंह के वाइस कैप्टन में जा सकते हैं क्योंकि इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है और लो है और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका जो ड्रीम 11 रैंक है ना अच्छे खासे रैंक करना स्टार्ट कर देगा। जब आपको पता होगा कि जब हाई सिलेक्शन परसेंटेज को अपने टीम में कप्तान बना के जाएंगे तो आपका थोड़ा जो रैंकिंग है थोड़ा लो घटेगा, लेकिन जब आप लो सिलेक्शन परसेंटेज को अपनी टीम में कप्तान बना के जाएंगे तो आपको रहेंगे 10 लाख पर तो आपको आ जाएंगे 2-3 लाख पे, इस तरह से रैंकिंग में बहुत ज्यादा अलग फर्क रहता है जब आप लो सिलेक्शन परसेंटेज को अपनी टीम में कप्तान बना के जाएंगे और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी ट्रिक को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं। टॉस होने के बाद आपको लाइनअप में देख लेना कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलना।